नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, मैं यशवंत। बिजली, पानी और महिलाओं को फ्री में यात्रा कराना क्या गुनाह है? दिल्ली की जनता जान चुकी है कि विधानसभा और संसद के सदस्यों का चुनाव किन मुद्दों पर करना है, किन मुद्दों पर नहीं, किसको कितनी प्राथमिकता देनी है, कितनी नहीं। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वहां का साक्षरता दर 90% है। वहां का जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय से 3 गुना ज्यादा है। और ऐसे में जो दिल्ली वालों के ऊपर तमाम तरह के लोग गालियां दे रहे हैं कि वो मुफ्त खोर हैं बिजली, पानी और यात्रा के नाम पर, वो जो इमरान खान को भी यहाँ का सीएम नियुक्त कर देंगे। अब इनको क्या है कि राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं है। देश में क्या चल रहा है, किस संप्रदाय से क्या समस्याएं उपज रही, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली वालों ने हमारे देश की जनता को एक संदेश दिया है कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर बढ़ेगी वहां से जातिवाद और संप्रदायवाद का अंत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों, पिछले 5 साल से जिस प्रकार से सपा और बसपा जो ज्यादातर जातिगत राजनीति करती हैं और वही जान उसी चीज के लिए वो जानी जाती हैं, पर किस तरह से दिल्ली के अंदर से उनका सुपड़ा साफ हो गया। इनके जो भी मतदाता थे सारे जो है कि आपसे जुड़ गए। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये एक जन आंदोलन से निकल के आई है। और जो जन आंदोलन जिस चीजों से निकल के आई है उसकी पहली जो प्राथमिकता थी वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए थी। एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है गरीब, उसे क्या चाहिए? पानी, बिजली। आपको बता दें, ये पहला एक ऐसा सीएम है हिस्ट्री में, जब 2015 में आज सीएम इलेक्ट होकर आते हैं तो इन्होंने अपने बजट का 1/3 जो राशि था वो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च किया। क्या ऐसा करना गुनाह है? दिल्ली की जो जनता है ना, वो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर वो जन कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए वो गलत है। आपको बता दें, जो विद्यालय, कहने का मतलब जिस विद्यालय में जो परिजन थे दाखिला नहीं कराते थे अपने बच्चों का, आज वो विद्यालय एक तरह से कह सकते हैं कि सारे संसाधनों से लैस है। जो एक आधुनिक विद्यालय में होनी चाहिए उस विद्यालय में केजरीवाल ने किया है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य के नाम पे उन्होंने गली गली हर चौराहे पे मोहल्ला क्लिनिक नामक जो स्वास्थ्य के लिए सौगातें दी हैं वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो दोस्तों, आपको पता है दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से कारपोरेट, जो एक तरह से कारपोरेट बना दिया गया था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, गरीब व्यक्ति न अपने बच्चों को पढ़ा सकता था न उसका इलाज करा सकता था। तो ऐसे में यदि हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो गलत है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास मुद्दा होना चाहिए। जब विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो वहां पे क्षेत्रीय मुद्दे काम आते हैं। वहां जो परिवार का जो बेसिक जो मांग है, दिल्ली के अंदर जानते हैं, चाहे रोजगार हो चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य, ये ऊपर है। जब भी भाजपा रही हो चाहे अन्य पार्टियां रही हो, जब वहां पे अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे या प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रोजगार हो, वहां पे जो है कि अरविंद केजरीवाल विफल हो गए। वो बस राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वहां पे बातें कर रहे थे। और ऐसे में क्या है दोस्तों, जो आपके हैं मनोज तिवारी जी, उनको इसलिए वहां पे एज ए इलेक्ट किया गया था क्योंकि उन्हें पता था कि जो बिहारियों का एक बहुत बड़ा तबका आता है जो जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली जैसे शहरों में बसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ खींचेंगे। पर दोस्तों, बिहारी जो है वो भी आपकी तरफ उनका झुकाव हो गया, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो उन्हें चाहिए और वो आप सरकार से दिखी। दोस्तों, कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि फ्री में जो बिजली है, पानी है, जो महिलाओं को यातायात की सुविधाएं दी जा रही है, ये गलत है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या ये गलत नहीं है कि जो शौचालय निर्माण के लिए सरकार सहयोग राशि दे रही है, तो क्या गलत नहीं है? जो सम्मानित किसान योजना दी जा रही है किसानों को 6,000 रुपये, वो गलत नहीं है? जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा, वो गलत नहीं है? याद रखिएगा, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जो कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीक हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो सहयोग की राशि होती है, वो वही समझ पाएगा जो उस चीजों से गुजर रहा है।
दिल्ली के अंदर या फिर अन्य शहरों में जब आप रहते हैं तो बिजली हुआ, पानी हुआ, मकान का रेंट हुआ, ये कितनी बड़ी समस्या होती है। और आपके आपका जो वेतन है उसका कितना मद जो होता है, कितना राशि उसमें चला जाता है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो शहरों में रह रहा है, पढ़ रहा है या फिर जीविकोपार्जन के लिए वहां पे लगा हुआ है। दोस्तों, जहां पर बीजेपी राज्य शासित है वहां पे आप जाकर देख लीजिए शिक्षा का स्तर क्या है और स्वास्थ्य का क्या स्तर है। याद रखिएगा, जब तक हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर नहीं आएंगे तब तक हम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि जो आपकी बेसिक जरूरतें हैं पहले आप उसको जानिए, और उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, हमें दिल्ली वालों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों का चयन करें जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, जो हमारे असल में मुद्दे हैं उनको संसद में या विधानसभा में जो पेश करेंगे कौन लोग हैं। बिहार जैसा राज्य ले लें या उत्तर प्रदेश, यहां पर एक तरह से जो शिक्षा का क्षेत्र है वो एक तरह से व्यवसाय का रूप ले रहा है। हर आधे किलोमीटर पे आपको एक विद्यालय मिलेगा, हर 1 किलोमीटर के अंदर सैकड़ों आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, सरकारी अस्पतालों में आपको पता है डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मरीज ऐसे ही पड़े रहते हैं, मर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है गोरखपुर में जब एज ए सीएम इलेक्ट हुए थे योगी आदित्यनाथ जी तो कितना बड़ा धक्का लगा था उन परिजनों को जिनके बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत के गले चले गए। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए जो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है। सबसे पहले आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले अपने राज्यों को सुधारें, अपने राज्य के लोगों को रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाएं, पहले डॉक्टरों की सुनिश्चित करें कि वो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अब असल में दिल्ली वासियों से हमें सीखना चाहिए। सोचिए, बीजेपी वाले जब प्रचार प्रसार हो रहा था वहां के जो नेतागण थे, मंत्री थे, अराजकतावादी, आतंकवादी, मतलब किस किस नाम से संबोधित कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को। और उन्होंने जो भी अपना बयान रखा वो सकारात्मक पक्ष रखा, उन्होंने एक तरह से जो जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं उन्हीं बातों की उन्होंने चर्चा की और किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की। और असल में विजय इसलिए इस व्यक्ति की हुई है। यदि आप काम करेंगे तो जो हमारे देश की जनता है वो आपको कभी झुकने नहीं देगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।